अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 21 दिसंबर और कुवैत से कुछ लेटेस्ट अपडेट है, देख लेते हैं आज के शेड्यूल में। कुवैत के अंदर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कुवैत की तरफ से एक और कैंपेन चलाया गया है, खासतौर से उन सभी एजेंट के लिए जो लोग कुवैत के अंदर वीज़ा ट्रेडर का काम करते हैं, वीज़ा सेलिंग करते हैं और बहुत सारे ऐसा वीज़ा भी सेलिंग करते हैं जो कि फ्रॉडगिरी करते हैं, जाली वीज़ा देते हैं, उनको लेकर के भी दोस्तों जो छापामारी है कैंपेन है पुलिस का, वो भी कुवैत का अलग अलग गवर्नमेंट के साथ में ये जो कैंपेन है ये चालू किया गया है, ताकि वो सभी ट्रेडर्स जो लोग भी ऐसे ऑफिस खोल करके बैठे हैं जो कि धोखाधड़ी करते हैं, जाली वीज़ा दे करके लोगों का पैसा ठगते हैं, उनके खिलाफ भी कैंपेन चलाया गया है। कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर डॉक्टर अल आजमी के द्वारा ये कंट्रोल ब्यूरो चलाया गया है, खासतौर से ये ज़्यादातर जो लेबर मार्केट है वहाँ पर फ्रॉडगिरी होते हैं, जलीबाल सुवेक है, महाबोला है, कुछ ऐसे एरिया के अंदर जो ज़्यादातर जाली ऑफिस है जिनके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। कुवैत से अगली अपडेट दोस्तों उन सभी प्रवासी के लिए गुड अपडेट है जो लोग भी कुवैत के अंदर स्कूल में टीचिंग करते थे, पढ़ाते थे, उनका जो भी पेंडिंग है 2022 से लेकर के 2023 तक, जिन प्रवासी का भी सर्विस एंड हो गया है लेकिन उसको अभी तक पेड नहीं किया गया है, उसका जो बैलेंस है वो डिले हो गया है, उनको लेकर के दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक अच्छा अपडेट गया है कि जल्द ही ऑल ड्यूज फॉर एक्सपायर्ड टीचर विल बी पेड सून बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों जल्द ही उन सभी का बकाया जो भी राशि है उन सभी को पेड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट है कुवैत से। कुवैत से सभी खबर के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों कुवैत से अगली अपडेट के साथ।